हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, SD3 फिल्म्स का जो है रियलिटी शो स्टार्ट हुआ है, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार, जो कि ऑनलाइन ऑडिशन है, जिसमें आप लोगों को ऑडिशन देना होता है ऑनलाइन हमारे लाइव पर आकर, जिसमें मैं देखिए कमेंट बॉक्स में आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि आप जो है आगे जाकर इसे क्लिक करके आप उस पर कॉल पे आ सकते हैं। तो ये एक लाइव है दोस्तों, लाइव ऑडिशन है, जिससे आपको जो है लाइव आकर हमारे साथ गाना गाना होता है, उसके बाद में जो है आप उसको हम लोग उसका गाने पे जो है आपने कैसा क्या गाया, ये सब चीज़ों पे हम जज करते हैं, हमारे और जजेज उस चीज़ पे जज करते हैं, और आप जो है अगर सिलेक्शन होते हैं तो मुंबई आते हैं और आप आगे राउंड्स के लिए जो है क्वालिफाइड होते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँगा इसके रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि हम लोग ये फेसबुक आईडी पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फेसबुक पेज पर करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हम लोग ने फेसबुक पेज पर किया है। तो आज हम लोगों को कई मैसेज आए हैं इसके पहले भी, तो आज करने का रीज़न ये है दोस्तों मॉर्निंग में, क्योंकि कई लोग वर्किंग हैं और वो ऑडिशन देना चाहते हैं, सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको जो है हमें ऑडिशन लेने के लिए उनको भी एक टाइम देना चाहिए, हमें ऐसा लगा। उनको जो है सैटरडे भी वो वर्किंग रहते हैं, तो संडे को हमें जो है एक बार ऑडिशन रख के उनके लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहिए, उनके लिए भी एक इजी बनाना चाहिए इस ऑडिशन को, हमें लगा, तो हमने ये स्टार्ट किया है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस ऑडिशन में कैसे क्या होगा। आपको हम लोग एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे फेसबुक पेज के अलावा, ये फेसबुक आईडी पर हम लोग लिंक प्रोवाइड कराए हैं, ये मैंने आपको जो है पोस्ट कर दिया है यहाँ पर, आपको इस हमारे स्टोरी में भी दिखेगा, और ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आप क्लिक करके आ सकते हैं हमारे साथ लाइव। मैं आपको लिंक देता हूँ, देन सो यस दोस्तों, मैंने ये पोस्ट भी कर दिया है ये लिंक, और उसके बाद आप उस पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। दूसरी चीज, हमारा जो लाइव है उस पर जो है एक लिंक मिलेगा आपको, उस लाइव पर भी क्लिक करके आप आ सकते हैं दोस्तों। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप 15 ईयर्स से लेके 35 ईयर तक का हमने रखा है कि आप ऑडिशन दे सकते हैं, और उसके अलावा जो 40 ईयर्स के भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, 40 ईयर्स तक के जो हैं हमारे कैंडिडेट्स, उनको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि उनका भी ऑडिशन लिया जाए। और इसमें आपको दो कंपलसरी रूल्स होते हैं दोस्तों, जो हमारा फेसबुक पेज है वो लाइक करना होता है, क्योंकि कई सारे अपडेट्स होते हैं जो हम फेसबुक पेज पर शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों तक आराम से इजीली पहुंच सके, तो इसलिए हम लोग फेसबुक पेज पर लाइक भी करवाते हैं, और फेसबुक पेज पर हम ऑडिशंस के जो है अपडेट करते हैं, तो आपको लाइक करवाते हैं। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एक कंपलसरी रूल है, जिसमें हमारे आपके रिजल्ट, इस ऑडिशंस के रिजल्ट आपको जो है अपलोड किए जाते हैं, कई बार आप तक ये इसको आप जो है ऑडिशंस के रिजल्ट, अपडेट्स वगैरह सब चीज़ें आपको जो यूट्यूब चैनल पर हमारे मिलते हैं, SD3 फिल्म्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जो आपको सब्सक्राइब करना होता है दोस्तों। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसके अलावा कैसे क्या हमारा ये जो है ऑडिशंस के साथ साथ हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कैसे आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, वो लिंक आप लिंक पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपका कॉल मेरे पास आ जाएगा, मैं उसके बाद में आपको यहाँ से जो है कॉल रिसीव करके आपको आपका कॉल ले सकता हूँ। और दूसरी चीज़ें, एक कैसे ऑडिशन होगा ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे जजेज जो हैं, जो बैकएंड टीम में हैं अभी, वो आपका गाना सुनते हैं और उसमें आपको जो है मार्क्स देते हैं, 30 मार्क्स, मिनिमम 30 मार्क्स देते हैं वो एक गाना को भी अटेम्प्ट करने का, हम 30 मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा 30 मार्क्स के अलावा आपको 30 to 50 तक मिलता है, जैसे हमारे
जजेस को अच्छा लगता है वो मार्क्स देते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके आपका जो सॉन्ग है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएगा तो कितने लोग उसको लाइक करते हैं, हमारे जनता हमारे जो है ऑडियंस कितने लोग आपका गाना पसंद करते हैं, तो वहाँ से मार्किंग भी होती है आपकी, तो वहाँ से आपको मार्किंग होती है, वहाँ से आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, सिंगर चेतन जी लाइन पर हैं। सिंगर चेतन जी मैं आपको आपका कॉल लेता हूँ, बस लाइन पे एक बार बने प्लीज़। आपको मैं देख पा रहा हूँ, आपका कॉल मैं लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों 50 मार्क्स तक हमने हमारे जजेस देते हैं, तो 50 मार्क्स तक जो है हमारे जो है ऑडियंस आपको प्रोवाइड करते हैं। कैसे देते हैं ऑडियंस, देखिए आपका जो भी वीडियो रहेगा वो जितने भी लाइक करते हैं तो 15 लाइक्स के 5 पॉइंट्स आपको मिलते हैं और 20 शेयर के आपको 5 पॉइंट्स। तो इस तरह से हम लोग ने ये डिवाइड किया है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी पब्लिक हमारे जनता हमारे ऑडियंस भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व हो सके और आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पसंद करेंगे जिसको भी पसंद करेंगे वो लोग जो है आगे आ सके, तो इसलिए हमने ये जो है स्टार्ट किया है इस तरह का एक प्रोसेस। मैं आपको फिर से ये हमारा कमेंट बॉक्स में देखिए दोस्तों, मैं कमेंट्स बॉक्स में एप्लीकेशन का एक ऐप है बी लाइव के नाम से, जिसको आप देख सकते हैं और जिसमें क्लिक करके आपको हमारे पास कॉल आता है, आपको कॉल पे आना होता है, तो आप कॉल पे आ जाइए। मैं जो है उसमें विली उसको कॉल एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑडिशंस। सिंगर चेतन जी प्लीज़ लाइन पे बने रहे, मैं आपका कॉल लेता हूँ। जैसे ही यहाँ से रेडी होता है मैं यहाँ आपका कॉल लेता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों मुझे ये चीज़ें एक बार थोड़ा अगेन मैं शेयर करने जा रहा हूँ लिंक्स वगैरह, तो दोस्तों कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है ऑनलाइन ऑडिशन होने के कारण, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इसको फ्रेश उस पर क्रोम पे जाइए, ये लिंक को आप कॉपी करके उसको फ्रेश क्रोम पे आप ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपका ओपन हो पाएगा और कनेक्ट हो पाएगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल प्रोसेस है, अगर एक बार नहीं लगता है दोस्तों आपका कॉल नहीं आ पाता है या कनेक्ट नहीं हो पाता है तो आप ट्राई करते रहें, प्लीज़ हम उसको जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैंने ये लिंक आपको शेयर कर दिया है, देखिए आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। मेरे पास कई दोस्तों के कॉल्स जो है वेटिंग में हैं, मैं जैसे ही ये यहाँ से रेडी हो जाता है मैं लेता हूँ। जैसे चेतन जी हैं सिंगर चेतन जी, वो भी वेटिंग में हैं, प्लीज़ चेतन जी बने रहें, मैं आपका कॉल एक्सेप्ट करने के लिए एकदम रेडी हूँ, जस्ट मुझे एक मिनट का समय दीजिए। इसमें कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं जिसमें क्लासिकल सिंगर चंदन मोदी हाय सर बोल रहे हैं, हेलो चंदन जी हाउ आर यू, सो आपको अगर ऑडिशन देना चाहते हैं आप तो ये लिंक हम मैंने प्रोवाइड किया है जिस लिंक में आपको क्लिक करके आना होगा, क्लिक करेंगे तो आपका कॉल हमारे पास आ जाएगा, देन हम जो है ऑडिशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा राजकुमार जी हैं वो भी हमें देख रहे हैं, प्लस उन्होंने एक कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है नाइस सर, थैंक यू राजकुमार सर, आप काफ़ी टाइम से हमें जो है फॉलो कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी आपसे बातचीत भी होती रहती है मेरी, थैंक यू सो मच, हालांकि उनसे मेरी मुलाकात तो हुई नहीं है। और दोस्तों हमारे जज, इस शो के जज के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, हमारे जज हैं स्वरित शुक्ल फ्रॉम इंदौर। स्वरित के बारे में बताना थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, स्वरित क्लासिकल सिंगिंग के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 8 साल की उम्र में उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे स्वरित ने, और उसके बाद लिल चैंप 2009 में GTP के फाइनलिस्ट टॉप फाइनल तक 5 तक पहुँचे हैं, टॉप 4 तक पहुँचे हैं स्वरित, और वहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को उनने जो है अचंभित कर दिया है, उसमें वो उनके जो है संगीत की नॉलेज, उनकी जो है सिंगिंग को देख के काफ़ी लोग अद्भुत
फील किए हैं वो हमारे जजेज हैं। तो स्वरित जी हमारे लाइन में हैं, बिल्कुल मैं उनको कॉल पे लेना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। उसके बाद में सिंगर चेतन जी भी लाइन पर हैं, मैं उनका कॉल लेना चाहूँगा। दोस्तों बने रहे हमारे साथ, मैं आपका जो है कॉल लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उसमें आप क्लिक करके आप कॉल पर आइए। मैं सबसे पहले हमारे जज स्वरित को जो है एक्सेप्ट कॉल एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ, उनको जो है मैं लाइन पे लेने जा रहा हूँ। स्वरित गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, धन्यवाद। स्वरित, जैसा कि हमने कहा था कल के ऑडिशन में, कल हमारा फेसबुक पेज पर था, ये हमारा फेसबुक आईडी पर है। जी हाँ जी, आईडी पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ सिंगर्स, और हमें लगा कि आईडी पे ज़्यादा लोगों को कन्वीनियंट होता है क्या कैसा होता है, तो संडे को हमने फिर से रखा है। और कई लोगों ने कहा था, जैसा कि आपको भी पता है, कि संडे को रखिए सर क्योंकि हम लोग सैटरडे वर्किंग होते हैं, बोल के कई लोगों ने हमसे ये गुजारिश की थी। तो हमें लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कन्वीनियंट करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, संडे को मैं भी बहुत अच्छे से फ्री रहता हूँ, तो आज अच्छे लोग भी अच्छे आ सकते हैं। हाँ देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वरित, हमारे कॉल पे वेटिंग लिस्ट पे हमारे पास सिंगर चेतन जी हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। और आगे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं हमारे दोस्तों के, हमारे सिंगर्स के, जिनके कमेंट्स भी मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। पहले हम चेतन जी को एक्सेप्ट करते हैं और उनका ऑडिशन करते हैं। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए चेतन जी। चेतन जी गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। चेतन जी, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं और आप कौन सा गाना गाएंगे प्लीज बताएं, और आपका एक इस आपके एक गाने का एक स्थाई और एक अंतरा गाएं प्लीज। मेरा नाम चेतन पालड़िया है, मैं राजस्थान अजमेर से 45 किलोमीटर की दूर पे ब्यावर आते हैं, वहां का रहने वाला हूँ और फिलहाल अहमदाबाद में रह रहा हूँ। और आपकी आवाज थोड़ी अचार और मेहंदी का होलसेल बिजनेस है मेरा अहमदाबाद में। क्या बात है चेतन जी। और मेरा जी अचार और मेहंदी का बिजनेस है अहमदाबाद में। चेतन जी, आप कौन सा गाना गाएंगे प्लीज, आपका गाना स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट अंतरा और स्थाई। ओके सजन आयोरी मोरा अति मन सुख पायोरी अलबेला सजन आयोरी चौक पुरावो चौक पुरावो मंगल गावो मन रंग निशु पायोरी अलबेला सजन आयो रीनु। क्या बात है चेतन जी, क्या बात है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, मुझे अच्छा लगा आपका गाना। और हमारे नोटेशन किंग भाई स्वरित जिसे हम लोग सुनते हैं, उनको कैसा लगा, वो कितने मार्क्स देते हैं? एक चीज़ मैं आपको चेतन जी थोड़ा सा फिर से बता देना चाहूँगा कि मार्किंग हमारी कैसे होती है।
ये आपका ये गाना गाने के लिए मिनिमम अटेम्प्ट करने के लिए 30 मार्क्स मिनिमम हर किसी को देंगे सोरित, और उसके अलावा 50 तक उनके हाथ में है कि वो 50 मार्क्स तक दे सकते हैं। तो आपका गाना जैसा लगेगा उनको, जितने मार्क्स वो देना चाहेंगे वो देंगे। और उसके अलावा ये जो आपका गाना है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएगा, आज ही जाएगा ये। और आपको हमारी जनता कितनी पसंद करती है, कितने लाइक करते हैं आपके इस गाने को, तो उसके ऊपर आपको जो है मार्किंग होगी। जैसे कि 15 लाइक्स के आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो अगर 15 जने भी आपके इस गाने को आप लाइक करते हैं तो 5 पॉइंट्स और वहाँ ऐड होते हैं। और अगर जनता हमारी इसके आपको शेयर भी करते हैं तो उसमें 20 शेयर के 5 मार्क्स है, इस तरह से है। तो मिनिमम 60 मार्क्स लाना क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है इसमें जो है सिलेक्शन के लिए। तो बिल्कुल सॉरी भाई से हम जानना चाहेंगे आपके बारे में फीडबैक और आपका मार्क्स। चेतन जी आपने अच्छा गाना लिया, और मुझे अच्छी बात ये लगी कि अहिर भैरव का गाना है और आपने एकदम सुबह सुबह के टाइम पे लिया। मुझे सर सूरज जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हेलो चेतन जी, आप शायद वो वीडियो भी देख रहे होंगे तो शायद आवाज नहीं आ रही। एक बार आप उसको फिर से प्लॉग कीजिए। अब आवाज आ रही है आपको सोहित जी? हेलो हेलो चेतन जी, आवाज आ रही है मेरी? एक नहीं सर, सूरज जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो चेतन, नहीं आ रही आवाज? सुन पा रहे हैं सूरज जी को? नहीं नहीं सुन पा रहे हैं वो शायद। अच्छा चेतन जी, एक साइड आपके साइड से? नहीं सर बिल्कुल, मैं तो सुन पा रहा हूँ। सर आप सुन पा रहे हैं ना? एसडी सर आप सुन पा रहे हैं ना? मैं एकदम सुन पा रहा हूँ। मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, सूरज जी की नहीं आ रही है। अच्छा, मैं सूरित को सुन पा रहा हूँ। तो चेतन जी आपके जो फीडबैक सूरित अभी दे देंगे, तो आप इसको वीडियो में देखिएगा, आप जो हमारे टाइमलाइन पे अभी रहेगा, आप जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप बैक करके भी एक बार देखिएगा क्या कहना चाहेंगे। शायद टेक्निकल कोई फॉल्ट आपके साइड से हुआ होगा, क्योंकि सूरित के साइड से बिल्कुल आवाज क्लियर है, मैं सुन पा रहा हूँ। शायद आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो फीडबैक प्लीज सूरित दे दीजिए। और मैं उनको बता दूंगा मार्क्स कितने देते हैं। तो देखिए, चेतन जी का गाना बहुत अच्छा था, उन्होंने अहिर भैरव में लिया था, इस समय का गाना है, तो क्लासिकल था, अच्छा अटेम्प्ट था क्लासिकल के लिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद हो सकता है कि चेतन जी अभी शायद सीख रहे हो क्लासिकल, या नहीं सीखा हो। तो आपको आवाज आ रही चेतन जी मेरी? अच्छा हाँ, शायद तो हो सकता है कि क्लासिकल का अटेम्प्ट अच्छा किया था इन्होंने। और अगर थोड़ा एक दो जगहों पर मुझे थोड़ा सा लगा कि आप जैसे कभी कभी बीच में ताने ले रहे थे आप, तो फास्ट में ना आपका थोड़ा सा स्वर आगे पीछे हो रहा था, बट वो कंसिडरेबल है। और अगर आप मार्क्स की बात देखी जाए तो आपने काफी अच्छे से गाया, तो मैं आपको 45 तो देना ही चाहूंगा। क्या बात है, क्या बात है चेतन जी, आपको हमारे सूरित भाई ने 45 मार्क्स दिए, इट मीन्स अलॉट, क्योंकि 45 आउट ऑफ 50, 45 मार्क्स लाना यानी कि जो है बहुत अच्छी बात है। सूरित को आपका गाना पसंद भी आया, कहीं कहीं आपको जो है जो चीज़ें लगी है जो वीडियो में जो है सूरित भाई ने बोला है, आप एक बार फिर से देखिएगा इस वीडियो को, तो उनका फीडबैक आपको डायरेक्टली सुनने को भी मिल जाएगा। जैसे कि आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, शायद आपके साइड से प्रॉब्लम हो, क्योंकि सूरित के साइड से कोई प्रॉब्लम है, मैं सुन पा रहा हूँ उनकी आवाज़। तो 45 मार्क्स मिले हैं चेतन जी, आप बने रहे हमारे साथ। आपका ये गाना हमारे कितने ऑडियंस पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, उस पर फिर मार्किंग होगी आपकी। बिल्कुल बने रहे, आपको जो है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना कंपलसरी है ये रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे अपडेट्स सभी वहाँ पे होते हैं। अगर हम लोग आपको सिलेक्शन भी कर लेते हैं, आपको अपडेट्स नहीं मिला, आप अगर स्किप कर देते हैं नेक्स्ट राउंड, तो फिर वो ये मेहनत जो है आपका भी और हमारा भी वर्थलेस हो जाएगा, तो वो कंपलसरी है। तो थैंक यू चेतन जी, चेतन जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। सॉरी, कुछ कमेंट्स आए हैं इसमें जी, पढ़ते हैं जी, बिल्कुल उनको कमेंट्स लेना चाहूँगा और कमेंट्स लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे, और मैं कमेंट्स बॉक्स में फिर से कई बार यहाँ पर ये हमारा लिंक भी मैं प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, जिससे कि हमारे मित्र, हमारे जो है ऑडियंस, जो भी सिंगर हैं इसमें आ सकते हैं, ऑडियंस जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सिंगर पन्नी लाल यादव, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सिंगर पन्नी लाल यादव जी,
आपको एक लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, देखिए आपका जैसे कमेंट है वहीं पे SD3 फिल्म्स के साइड से कमेंट्स आया होगा ऐप बी लाइव बोल के, उसमें आपको क्लिक करना होगा। वो क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का भी बोल सकता है, तो आप उसको क्लिक करके उसके बाद में आप जो है हमारे पास कॉल आता है तो हम उस कॉल को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि चेतन जी ने हमें कॉल किया। और प्लीज डिटेल सिंगल पन्नी लाल यादव जी, प्लीज डिटेल पन्नी लाल जी, यही है इसका जो है एक सिस्टम कि आप ऑडिशंस के लिए आए तो इसमें क्लिक करके आप आइए। मनीष राव जी गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं, मनीष जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। और सिंगर आशीष राज गुप्ता, मैं भी गाना चाहता हूँ। आशीष जी आप बिल्कुल हमारे कॉल पे आइए, ये जो लिंक हमने प्रोवाइड किया है इसको जो है आप एक बार इस चीज़ पे क्लिक करिए, इस लिंक पे आप क्लिक करिए और उसके बाद में आप हमारे कॉल पे आ सकते हैं। मैं कॉल रेडी लेने के लिए रेडी हूँ। सिंगर आशीष राज गुप्ता सर सर बोल रहे हैं, हेलो आशीष जी। सिंगर आशीष राज गुप्ता फिर से बोल रहे हैं, क्या करना होगा। आशीष जी जैसा कि मैंने अभी बताया आपको ये लिंक पर क्लिक करना होगा, जो मैं फेसबुक पर भी मैं सेंड कर देता हूँ, आपको भी यहाँ पर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आई थिंक मुझे कमेंट आई थिंक यहाँ से मैं लेता हूँ क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से पढ़ रहा हूँ अभी, तो शायद पन्नी लाल यादव जी देखिए मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, एक लिंक मैंने रिप्लाई किया है जो आपको देखिए आपके जो आपने जो कमेंट किया है प्लीज़ डिटेल के, उसमें मैंने एक रिप्लाई किया है, आप उसको देखिए प्लीज़, और आप उसमें क्लिक करके हमारे कॉल पे आ जाइए। तो हम देखिए सिंगर शिव कुमार हैं जो उनका कॉल आ रहा है मेरे पास, सिंगर शिव कुमार जी, तो उनका कॉल लेते हैं, सॉरी लेते हैं आई थिंक। अरे हेलो सिंगर शिव कुमार जी, गुड स्वागत है मॉर्निंग आपका, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में। जी सर। शिव कुमार जी आपको हमारी आवाज आ रही है। जी जी सर आवाज आ रही है। शिव कुमार जी आपका पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से हैं ये बताएं, और आप कौन सा गाना गाएंगे। जी सर मेरा नाम शिव कुमार राव और जी शिव कुमार जी आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। आप थोड़े अच्छे नेटवर्क वाले इलाके पे आए हैं, या फिर आप घर के अंदर हैं तो जो है डोर या फिर विंडोज ओपन कर दें ताकि आपको नेटवर्क अच्छे से मिले। सर स्वरित आपको शिव कुमार जी की जी आवाज आ मुझे रही है। भी बहुत कटी कटी आ रही है, जैसी आपको आ रही वैसी आ रही है मुझे। एग्जैक्टली शिव कुमार जी आपकी आवाज बहुत हमें ही ऐसी आ अच्छे से रही है कि नहीं आ मतलब पा हम रही। जी कुछ भी सर जज नहीं कर सकते। हाँ जी सर जी आवाज बताएं। जा रही है सर। हाँ, अब आ रही है, अब अच्छे से आ रही है। हाँ जी जी अब आ जी रही है, बिल्कुल बिल्कुल इसी पॉइंट पे बस रहें हम यहीं आप रहे और हैं और इसी तरह गाना से। शुरू हाँ किए। बिल्कुल, कौन सा गाना गाएंगे बताएं, और आपका पूरा नाम बता के आप जो है गाना स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्थाई और एक इंतरा गाइएगा प्लीज। जी सर मेरा नाम शिव कुमार राव और हम सुल्तानपुर यूपी से हैं, सजदा गाएंगे क्या बात है, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करिए। जब से देखे नैन तिहारे सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेरी
तेज दोनों सपनों से आगे, अब जहां लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा रांझेड़ा, नैनों के तीर चल गए सांझेड़ा, सांसों से दिल तिल गए, जरा अख से पिला दे सजदा करूं, जरा ख्वाब सजद दिन रहने करूं, जरा अख से पिला दे जरा ख्वाब सजद मेरे होठों पे मन तेरा बोले, ओ अब जहां लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यारी रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा दिन रहने करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा सजदा जी सर। क्या बात है, क्या बात है आपका शिव कुमार जी, आपका जो है आपके आवाज़ का रेंज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई पिच तक आप गा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना। और बाकी चीज़ें हम लोग सोरित से, हमारे नोटिसन किंग कुमार सोरित से सुनते हैं और वो कितना मार्क्स देते हैं आपको ये देखते हैं। सिंगर सुखराज जी हैं हमारे कॉल पे आना चाहते हैं, उनको मैं एक कॉल पे बात करूँगा, प्लीज आप लाइन पे बने रहें जी। हेलो, बिल्कुल बताएं। हाँ, कैसा लगा? मैं देखिए फीडबैक ऐसा है कि आपने एक चीज़ तो बताई दी थी कि अच्छा इनका रेंज बड़ा अच्छा है, मुझे रेंज तो बहुत ही अच्छा लगा, होना भी चाहिए अच्छा रेंज होना चाहिए गले में। बस इनका थोड़ा सा एक छोटा सा जो प्रॉब्लम लगा मुझे ये कि इनको भी शायद समझ में आया होगा क्योंकि इन्होंने बाद में उस चीज़ को सुधारा, वो ये कि ये जब शुरुआत किए थे ना तो शुरुआत का जो आलाप था वो जब ऊपर गए ये अच्छी ऊपर तो वहां पर जाकर के ना ये थोड़े चढ़ गए, थोड़ा जो लास्ट वाला स्वर जो था ना जब थोड़ा तेज हाँ। आवाज था उस टाइम वहां पर ये चढ़ गए थे, आपको भी समझ में आया होगा और इनको भी समझ में आया होगा, तो इस चीज को ना थोड़ा सा आप संभाल के रखिए थोड़ा जितना हम, मतलब ये भी एक तरह का स्पोर्ट है पता है, तो इसमें हम अगर इतना स्टेमिना बचा के रखेंगे ना तो, और उनको समझ के एकदम दिमाग से गाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बाकी जो आपने बीच में मिडिल में गाया ऊपर गाया सेकंड टाइम आपने जब गाया तो आपने अच्छा गाया, तो बस यही था दिक्कत, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे जरा को जरा बोलना है अपने को, एक दो जगहों पर मैंने सुना था तो आपने ना जल्दी जल्दी में थोड़ा सा एक्साइटमेंट में जरा बोल दिया था, तो जस्ट ये छोटी छोटी बातें रहती हैं जो गाना सुधारती हैं, बाकी आपने बहुत ही अच्छा गाया, मुझे बहुत पसंद आया। और मार्क्स का देखा जाए तो मैं आपको भी 45 ही देना चाहूंगा क्योंकि अच्छी रेंज के लोग कम ही है तो इसलिए। क्या बात है, क्या बात है शिव कुमार जी, मतलब 45 मार्क्स दिए हैं नोटिशन किंग सोरित भाई ने, क्योंकि हम लोग होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको जो भी फीडबैक देंगे सोरित वो आपके जो है सिंगिंग इम्प्रूवमेंट में बहुत ही एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे और आप सिलेक्शन होंगे तो आगे आने वाले राउंड्स में आप लोग जो है उस चीज़ को सुधार कर जो है आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ की आशा करते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोरित भाई को बोला है कि बिल्कुल उनको जो है जो भी सुधार करने की ज़रूरत है हमारे कंटेस्टेंट को बिल्कुल आप बता दीजिए ताकि उनका बेनिफिट हो सके, वो सुधार सके, तो उन्होंने आपको फीडबैक दे दिया है। थैंक यू शिव कुमार जी। और बाकी जो 45 मार्क्स आपको मिले हैं, 60 मार्क्स मिनिमम हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में होना होता है, बाकी मार्क्स हमारे जनता आपको पब्लिक देगी, ये वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर जाएगा हमारे SD3 फिल्म्स के, और वो पब्लिक आपको कितना पसंद करती है आपका गाना उस पर डिपेंड रहता है, तो आज ही ये वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएगा, पब्लिक आपको कितना प्यार देती है उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीक का आपका अपडेट हो जाएगा। तो थैंक यू शिव कुमार जी हमारे इसमें परफॉर्म करने के लिए, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सर। सोरित, काफी अच्छा लगा मुझे गाना सुन के, उनका उनके सुर तो काफी कहीं कहीं चढ़ रहे थे काफी जगह, पर एक उनका जो रेंज, हाँ सोरित मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक वहां पर कुछ। हेलो, हाँ हेलो, आ रही आवाज? हाँ, उनका रेंज काफी अच्छा था।
काफी अच्छा रेंज था जी हाँ। वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो सिंगर सुखराज जी लाइन पर हैं, आई थिंक सुखराज जी, एक सुखराज जी का तो कल हमने चुका लिया था शायद ना। हाँ ये दूसरे होंगे शायद, दूसरे सुखराज जी भी हो सकते हैं। मैं उनको कॉल पे, उनको कॉल पे लेना चाहूंगा, देखते जी हैं बिल्कुल एक बार, सेम नेम्स के होते हैं तो एक बार मैं उनको कॉल पे कॉल पे देखता हूँ जी। सुखराज जी गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है। हेलो हेलो सुखराज जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? इरफान हेलो। हाँ सर आ रही है, मेरा ऑडिशन तो हो चुका है। हाँ जी, तो आपने फिर से कॉल लगा दिया। हेलो, आपका ऑडिशन हो गया है, अब आपको जो है रिजल्ट के लिए वेट करना है। तो बिल्कुल सर जी, ये मतलब आज तो संडे है ना, ये पूछना था मेरे को कि आज संडे को ये ऑडिशन का? नहीं, हम लोग जो है आज संडे भी हमने रखा है ऑडिशन, क्योंकि कई बार लोग ऑडिशन नहीं दे पाते हैं, सैटरडे को वर्किंग होता है, तो उसके कारण हम लोगों ने संडे को भी ऑडिशन रखा है। तो आपके और फ्रेंड हो तो उनमें आप ये जो है हमारा वीडियो शेयर करके उनको जो है ऑडिशन के लिए ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सुखराज जी, कल आपने ऑडिशन दिया था और आपका वीडियो काफी अच्छा हो रहा है यूट्यूब पे, मैंने देखा था काफी अच्छे आपका गाना पसंद कर रहे हैं लोग। और हमारे साथ नेक्स्ट वीक जो है आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, देखते हैं अगर आप अगले राउंड में जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो सर जी हेलो, एक और बात पूछनी थी जी, बताइए सर जी, जो यूट्यूब पे कितने लाइक्स पर मेरा सिलेक्शन हो सकता? देखिए इसमें मिनिमम हमारे पॉइंट्स लाने होते हैं 60 पॉइंट्स, ठीक है? आपको कितने, स्वरित भाई ने आपको दे दिए हैं पॉइंट्स कितने? 45 दिए हैं, तो आपको हाँ 15 लाइक्स, अगर आपके 15 पीपल अगर आपके वीडियो को लाइक करते तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर 30 लोग लाइक करेंगे तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से एक हमारे पब्लिक भी, 50% हमारे पब्लिक डिसाइड करती है, तो 50% हमारे जज डिसाइड करते हैं कि आप अगले राउंड में कैसे जाएंगे। तो इस तरह सर जी 30 लाइक आते हैं इसी, तो 10 पॉइंट मिलेंगे। 30 लाइक्स आते हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे, 45 लाइक्स आते हैं तो 15 पॉइंट मिलेंगे, इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा ठीक है सर जी, थैंक यू सुखराज जी, थैंक यू, मैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ ओके धन्यवाद। ओके ना, थैंक यू। फरीद, इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो जी जी आप पढ़िए। तो कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया यार। जी यहाँ तक सिंगर आशिक आशिक राज गुप्ता, क्या करना होगा? आशिक जी आपको मैंने देखिए रिप्लाई किया है, उस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके आप कॉल पे आ जाइए, मैं कॉल बिल्कुल आपका एक्सेप्ट करने के लिए रहती हूँ। और सिंगर सुनील जंगरा है, 45 बोल रहे हैं। सुनील जी हमारे जो है ऑडिशन वैसे 35 तक था, 15 to 35 तक का, लेकिन हमने इंटरनली डिस्कस किया है कि हम लोग 40 तक भी अब जो है कंसिडर करेंगे अगर अच्छे सिंगर्स होंगे तो, पर 45 हमारे लिए बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो हम ऑडिशन उस पर नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपसे एकदम क्षमा मांगना चाहूँगा। फिर भी अगर आप अच्छा गाते हैं, आप लोग आपकी सिंगिंग अच्छी है, तो आप हमारे बैकएंड टीम से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप अच्छा गाते हैं, आप अगर प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो हम जो है आपको हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी होते हैं तो उसमें हम आपको देखते हैं, अगर आप अच्छा गाते हैं तो चांस देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सुनील जंगराज। सुनील जंगारा जी बहुत बढ़िया जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आशिक जी राज गुप्ता जी हैं, मुझे कॉल पे लीजिए। सर आशिक जी, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपका जो है एक मैंने लिंक सेंड किया है जिस पर आपको क्लिक करके आना होगा। सिंगर चेतन और कमेंट में क्या बोला, सिंगर चेतन जी आप कमेंट में बिल्कुल देख सकते हैं सोरित भाई ने आपके लिए क्या बोला है। उसके लिए आपको ये वीडियो जो है हमारे टाइमलाइन पर है, इसको आप बैक करके देख सकते हैं, या फिर ये अपलोड होगा हमारा यूट्यूब पर, उस पर आप पूरी चीज़ें उनके जुबान से सुन सकते हैं। उसने काफ़ी आपको तारीफ की है और आपको मार्क्स भी दिए, चेतन भाई को आपने सोरित ने मार्क्स दिए हैं, 45 मार्क्स दिए हैं, और पब्लिक आपको कितना लाइक करती है उस पर डिपेंड करता है। सिंगर आशिक मुझे कॉल पे लीजिए। सिंगर आशिक जी, जैसे आपको मैंने रिप्लाई किया है,
तो आप इस पे देख के क्लिक कीजिए और आपका कॉल आ जाएगा। सुखराज डियर सर जी, आज भी ऑडिशन कैसे हो रहे हैं? आज भी शायद संडे को भी ऑडिशन रखा है हमने सिंगर सुखराज जी, जैसे आपको अभी मैंने कॉल पे बताया था। तो सॉरी, काफी अच्छा लगा मुझे, दो कंटेस्टेंट आए अभी। ये दो कंटेस्टेंट्स अच्छा है, इसलिए मैंने मार्क्स भी अच्छे दिए हैं। हाँ, आपने मार्क्स भी बिल्कुल खुले दिल से दिए जी हैं। हाँ, मैंने सोचा कि यार अपन और अप्रिशिएट करें तो अच्छा है। हाँ, कई चीज़ें लिमिटेड चीज़ें होती है हमारे सॉफ्टवेयर की चीज़ें भी, तो जिसके कारण हमारे कंटेस्टेंट को भी कई बार अब प्रॉब्लम्स होती है कॉल पे आने के लिए। वो वो चीज़ों पे मैं कंटेस्टेंट को बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल आप उस चीज़ का ध्यान रखें और जो है आप अपने साइड से उस चीज़ को एहतियात बरते हैं। बिल्कुल आप कैसे कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि मैंने एक लिंक शेयर कर दिया है जिसको आप फ्रेश ब्राउजर में भी खोल सकते हैं। सॉरी, आज हम जस्ट ट्रायल के लिए हम लोग ऑडिशंस के लिए आए थे। हम लोग ज़्यादा देर नहीं ऑडिशन लेंगे आज। हाँ, सही बात है। बिल्कुल, हम लोग चाहते थे कि जैसे कि हम लोग हमेशा पेज पर ऑडिशन लेते हैं, आज हम लोग आज ने आईडी पर। आईडी हाँ, तो लोगों को जानकारी में रहे और नेक्स्ट हम ऑडिशन ज़्यादा टाइम के लिए लेंगे, कि आज ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब कुछ ही देर में हम लोग जो है हमारे इस ऑडिशन को जो है समाप्त करना चाहेंगे आज के जी लिए, जी और नेक्स्ट संडे को हम लोग उसके लिए उसी हिसाब से प्लान करेंगे कि किस हिसाब से हमारे ऑडियंस को कंफर्टेबल होता है। सही है। सिंगर सुनील जंगरा सर जी, मैंने तो चेतन का रिप्लाई किया है, वो कमेंट में पूछ रहा था मुझे मार्क्स तब 45 लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, आपको 45 मिले हैं, शिव कुमार जी को भी 45 दिए हैं सोरित भाई ने। बिल्कुल जी हाँ, हाँ, 45 मार्क्स दिए हैं। मतलब मैं 50 मार्क्स तक दे सकता हूँ। 50 मार्क्स जनता के हाथ में है, बिल्कुल तो मैं तो अपनी तरफ से अच्छे मार्क्स देना ही चाहता हूँ। जो अच्छा व्यक्ति है, आप अच्छा जितना गाएंगे उतने अच्छे मार्क्स मैं दूंगा, और आगे तो पब्लिक डिसाइड करेगी। बाकी जनता जनार्दन जो है जी हमारे बिल्कुल बिल्कुल डिसाइड करेगी। बिल्कुल सॉरी, आज के लिए हम यहीं पर वो करते हैं। आज हम एक इन्फॉर्मेशन राउंड के लिए आए थे हम ऑडिशन में, दो हाँ, सही बात है जने लगभग लगभग सिलेक्शन के एक जो है मोड़ पे ही हैं, दो जने जी। 45 हाँ मार्क्स हैं, कि ऑब्वियसली हमें पसंद आया, आपको पसंद आया, आया, तो बिल्कुल सही पब्लिक बात को भी है। पसंद आएगा और वो शायद सिलेक्शन बस पब्लिक के हाथ में अब आएंगे। सब। जी बिल्कुल, तो आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ये फेसबुक पेज पर जो है ऑडिशन होता है सैटरडे 6 PM को हमेशा, और उसके अलावा हमारी आईडी पर जो है हमने आज इन्फॉर्मेशन के लिए कई लोग फेसबुक आईडी पर भी पूछ रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो ये जस्ट एक ट्रायल के बेस पे हम लोग ने आज स्टार्ट किया था ये। तो ये इसी तरह से होगा दोस्तों, ये वीडियो को आप देखिए और हम लोगों ने जो चीज़ें बोला है उस चीज़ को सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट ऑडिशन में आप आइए नेक्स्ट संडे को और सैटरडे को। तो ये कहते हुए आज के लिए विदा होते हैं। सुरीत, आप क्या कहना चाहेंगे जी कुछ? बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमें पेज पर जैसी प्रतिक्रिया मिली, मैं यहाँ पर भी वही उम्मीद करता हूँ। आज हमने बिल्कुल पहली बार स्टार्ट किया है, अगर यहाँ पर अच्छे लोग आते हैं तो हम यहाँ पर भी हर संडे को स्टार्ट करेंगे। और बस यही चाहता हूँ कि आप प्रयास करें, मस्त रहें और बस अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, जो है सिंगर शिव कुमार जी के नाम से फिर से कॉल आ रहा है मेरे पास। वही शिव कुमार जी हैं या कोई दूसरे शिव कुमार जी हैं, मुझे देखना पड़ेगा जी कॉल पे देखते भी, हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे नाम लगभग जो है प्रोग्राम को जी फिनिश हाँ पे आ हाँ रहे थे अभी, तो उनका कॉल आ गया देखते था। हैं हम कौन। बिल्कुल बिल्कुल, हेलो गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है। हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है शिव कुमार जी? हेलो शायद नेटवर्क में शिव कुछ कुमार जी, आप प्रॉब्लम हमें सुन होगा। पा रहे हैं? हाँ, हाँ आई थिंक अच्छा, मुझे आई है आवाज। ये कई बार अच्छा कॉल, अच्छा हेलो, नेटवर्क आई थिंक का कुछ प्रॉब्लम है। नेटवर्क या उनको आवाज सर नहीं आ रही है हमारी, हम अनमोल और हैं प्लीज सर। शिव कुमार जी बता। सर मेरा अनमोल चौधरी मेरा नाम है सर, और मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ सर। जी 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 आई आवाज। क्या बात है,
ओके अब आपकी आवाज आई है, तो कौन सा गाना गाना चाहेंगे अनमोल जी बताएं प्लीज, और आप एक सेकंड ट्राई करिए। जी अनमोल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अनमोल जी थोड़ा सर, सा हम इनसाइड हैं तो आपके विंडोज और जो है डोर। यस सर, यस सर। जी जी गाइए आप सर, सुन मैं ठीक सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है अभी। अरे बेला सजन आयो दी मोरा हत मन सुख पायो दी, अरे बेला सजन आयो दी मोरा हत मन सुख पायो दी, अरे बेला सजन आयो दी चौक पुरावो मांग गावो, चौक पुरावो मंगल गाओ, चौक पुरावो मंगल गाओ, चौक पुरावो मांग गलेगा मन रंग निस पायो री, अरे बेला सजन आयो री, अरे बेला सिंगर अनमोल जी आपकी आवाज बीच में ब्रेक ब्रेक होके तो आ रही थी, और जहां जहां मैंने सुना मुझे तो अच्छा लगा, आपने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है, और आपका कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अनमोल जी आपको जो है हमारे सुरीत भाई फीडबैक भी देंगे और मार्क्स भी देंगे, प्लीज आप हमारे साथ बने रहें, और 50 मार्क्स तक मैक्सिमम 50 मार्क्स तक हमारे नोटिशन किंग भाई सुरीत देंगे, और उसके अलावा जो है आपको पब्लिक कितना पसंद करती है यूट्यूब पे ये गाना जाएगा, और आपको लाइक कितना करती है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना आपका सिलेक्शन होता है या क्या होता है। नेक्स्ट वीक को जो है हम आपके सिलेक्शन के रिजल्ट हम पब्लिश करेंगे, तो प्लीज बने रहें हमारे साथ। और सुरीत भाई से मैं जानना चाहूंगा, सुरीत भाई आपको कैसा लगा ये गाना और आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? जी जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंपटीशन की भावना हमारे शो पे बढ़ती जा रही है, और इसीलिए आज के आज ही दो लोगों ने एक जैसा गाना गाया, और मुझे दोनों ही गाने अलग लगे। ठीक है, गाना एक ही था, लेकिन एक जो चेतन जी ने गाया था उसमें स्वर का ज्ञान तो था ही, साथ में उनकी इसमें शांति थी, इन्होंने जो गाया इसके अंदर इनका तैयारी अच्छी थी, मगर इन्होंने ना बहुत जल्दबाजी में गाना गाया जी, मेरे जी। को यही थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में गाना गाया, क्योंकि शायद हो सकता है कि एक्साइटमेंट हो, कंपटीशन की भावना हो, पर हमें कंपटीशन करनी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, बट हमें थोड़ा सा ना सुकून से गाना है, क्योंकि ये गाना, ये जो सेमी क्लासिकल गाना है बहुत अच्छा गाना है, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अगली बार से गाएं तो थोड़ा सुकून से, थोड़ा आनंद से गाएं, दूसरों को भी आनंद आए, खुद भी गाते गाते आनंद आए, और इनको मार्क्स मैं 45 भी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा गाया, गुंजाइश थी, इसलिए मैं 50 नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि और गुंजाइश थी आपकी आवाज में, आप और अच्छा गा सकते थे अगर आप सुकून से गाते तो, मैं 50 भी देता, लेकिन 45 भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देते हुए, बस क्या आगे बढ़ते रहिए। क्या बात है अनमोल जी, आपने 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, 45 मार्क्स आपको मिले हैं सुरीत भाई से, और बाकी हमारी पब्लिक आपको कितना लाइक करती है यूट्यूब पे, कितना आपको लाइक करती है, कितना जो है आपको आगे बढ़ाना चाहती है देखते हैं, ये गाना जो है आपका यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा और कितने लोग आपको लाइक करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो है मार्किंग होगा कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। ये चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन जो है इसमें हमारे पेज पर और आईडी पर दोनों जगह मैंने शेयर कर दी है, आप एक बार वहाँ पे भी देख सकते हैं। और क्या बात है सुरीत, आज सभी तीनों जने एकदम कॉम्पिटिटर आए अच्छे हैं। एकदम एक जैसे ही सब, मतलब बिल्कुल बहुत कांटे की टक्कर थी। बिल्कुल आपने मार्क्स भी 45 दिए। जी हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं जनता पे छोड़ना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि देखे जनता क्या देती है मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे तीनों जने का ही गाना सुन के, अच्छा लगा काफी। हाँ काफी अच्छी कोशिश की उन्होंने। कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगा सर अब हम विदा करने के पहले। जी जी बिल्कुल।
अच्छा मनीष महेश राव जी जो हमारे इसमें कंसिडर्ड में है, उनने एक कमेंट लिखा है, मनी कंसिडर्ड का सिलेक्शन भी न्यू रूल्स पॉइंट को आधार पर होगा। बिल्कुल मनीष राव जी, अब जो है न्यू रूल्स थोड़ा सा इसमें ऐड किया है कि हमने पब्लिक भी आपको थोड़ा सा जज करे, क्योंकि कई बार क्या होता है 50-50 हम लोग रखना चाहते हैं। कई बार कैंडिडेट को लगता है कि बहुत अच्छा गाया जो है हमें मार्क्स नहीं मिले, कई बार ऐसा भी होता है, और कई बार हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा गा सकते थे, बहुत अच्छा हो सकता था। ये तो हम ये चीजें नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम 50% मार्क दें और बाकी जनता जो है वो भी डिसाइड करे, क्योंकि जनता ही सब चीज है, जनता जनार्दन सब चीज है। तो उस चीज के लिए मैं जनता के ऊपर छोड़ना चाहूंगा 50% का। आप जो कंसिडर में है उनका भी बिल्कुल वही, अब न्यू रूल्स जो थोड़ा सा एक ऐड किया है हमने इसके अकॉर्डिंग होगा। तो फिर से शिव कुमार जी का कॉल फिर से आ रहा है मेरे पास। शिव कुमार जी, आपका ऑडिशन हो चुका है, प्लीज आप जो है इसको लाइव देखते रहें, और जो है कॉल पे अभी दूसरे जनों दूसरे जो है कंटेस्टेंट को आने का मौका दें। चेतन जी का भी सेम है, कॉल आ रहा है मेरे पास, वेटिंग रूम में है वो। पर चेतन जी, आपका ऑडिशन भी हो चुका है, आपको मार्क्स दे चुके हैं भाई ने, 45 मार्क्स दिए हैं आपको, और बाकी चीजें आपको जो है अपडेशन मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और पब्लिक आपको यूट्यूब चैनल कितना पसंद करती है उस चीज से भी आपका मार्क होगा, जो मैंने आपको जो है ये आईडी पर जो है शेयर कर दिया है, एक बार आप उसको चेक कीजिए। तो स्वरित, आज के लिए इतना ही करते हैं, हम तीन जने जो है बहुत कॉम्पिटिटर आए हैं, तो आपकी आवाज नहीं आ रही स्वरित मुझे। हेलो, हाँ अब आ रही है। हाँ जी, बस अच्छा, आज मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा कंपटीशन देख के। तो ये चीज है, और आज के लिए इतना ही करते हैं सॉरी, तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सैटरडे और सैटरडे को हम लोग करते ही हैं, और 6 बजे शाम को 6 बजे हम लोग करते हैं जी। हाँ, हम लोग अब कोशिश करेंगे थोड़ा लॉन्ग टाइम तक और अच्छे से जा सके, थोड़ा सा सब लोगों को इन्फॉर्म करके आ सके जी। हाँ बिल्कुल, तो कल ही हमने जो है कॉल पे डिसाइड किया कि चलिए संडे को भी हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ सही बात है, शाम को ही किया था कॉल। बिल्कुल, तो यही चीज करते हैं सॉरी, और आज के लिए जो है विदा लेते हैं इस प्रोग्राम से। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बस, मैं तो ज्यादा कुछ बचा नहीं मेरे पास कहने के लिए, बहुत अच्छे सिंगर आए, मैं चाहता हूँ और अच्छे आए, और मैं चाहता हूँ कि मेरी और परीक्षा ली जाए इस तरह से सिंगर्स के द्वारा, ताकि मैं अच्छे नंबर्स दे सकूं, अच्छे से जज कर सकूं। हाँ, सॉरी जी, सॉरी भाई, पुनीत भाटिया जी का आ रहा है कॉल मेरे पास वेटिंग रूम में, वो फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत कमेंट भी किए हैं, तो जी जी ले लेते हैं बस इसके बाद हम अंत करते हैं, एक बार ले लेते हैं। ठीक है, पुनीत भाटिया जी का कॉल हम लोग लेने के लिए रेडी है। पुनीत जी आप रेडी है तो आपका कॉल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पुनीत जी, गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है, वेलकम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ पुनीत जी, मैं भी, और सुरित भाई भी बिल्कुल झकास हैंडसम लग रहे हैं, और जो है आप कौन सा गाना गाएंगे, और बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, एक स्टार और एक अंतरा गाइएगा। आप कहाँ? सबसे पहले तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और कनेक्टिंग हुई है, एंड ये सर को भी मैं दिल से नमस्कार करता हूँ जो मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी सिर्फ आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है जी। किस कौन? एसडी सर की मैं? आप अच्छा अच्छा जी, आप मुझे दिख रहे हैं। हाँ एसडी सर की नजर आ रही है, उनकी सिर्फ आवाज नजर आ रही है। अच्छा, मैं नजर नहीं आ रहा हूँ? नहीं सर, आप नजर नहीं आ रहे, आपकी आवाज आ रही है बस। ओहो, तो देखिए पता नहीं क्या मिस्टेक है इसमें, ये प्रॉब्लम्स होती रहती है। मैं बता दूं, एसडी सर बहुत अच्छे दिखते हैं, तो हम ये इतना वीडियो में देख लीजिएगा, बिल्कुल वीडियो रहेगा जिसमें सभी आप भी दिखेंगे, मैं भी दिखूंगा, सोरित भाई भी दिखेंगे जी। मुझे इतनी खुशी है कि मेरी आपसे बात हो रही है और सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी बहुत कोशिश कर रहा था। अभी सो के उठा हूँ, एकदम से मुझे याद आया कि आप लोग लाइव आने वाले हैं, तो एकदम से अभी कनेक्ट किया, तो पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गया। बस ये आज बस देखिए, अब ये भाग्य है हमारा और आपका कि हम अपने बंद नहीं किया हमने। बिल्कुल, मैं आपको ना एक हिंदी सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ, तो मैं ज्यादा ऊंचा स्केल अभी नहीं यूज करूंगा, चलेगा? बिल्कुल समझते हैं। तो मैं एक गजल गाता हूँ, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात, पहली बार गजल ले रहा है कोई, क्या बात है।
तो मैं अभी सो के उठा हूँ तो सर थोड़ा सा गला भी चलेगा, थोड़ा नो प्रॉब्लम, वो चीजें हम समझ जाएंगे, सो समझ जाएंगे, सोने वाली आवाज समझ में आ जाती है। हाँ कोई समझ भी बात रहा है, नहीं, कोई बात नहीं, आप निकाल ले चलो लीजिए। ओके शुरू करूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल ओके थैंक यू सर। जय रे आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो, लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू सर। क्या क्या बात बात है, क्या बात है, है, बहुत अच्छे। बहुत ही सुकून से आपने जो ये गजल गाया, मुझे गजल बहुत ही पसंद आया, अच्छा लगा। और आप थैंक यू सर। तुरंत अभी उठे हैं, आपके वॉइस में वो चीजें दिख भी रही है हमें कि आप बिल्कुल। आपकी वॉइस वैसे में मैं बारी एक्चुअली बारी। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सॉरी मैंने आपको स्टार्टिंग में नेम नहीं बताया अपना। मेरा नेम पुनीत है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यमुनानगर से। बिल्कुल बिल्कुल एंड मैं ज्यादातर मतलब गजल पंजाबी सूफी भी गाता हूँ, लेकिन अगर मैं कल रात को कनेक्ट हुआ तो जरूर सूफी जी जी कोई सुनाता। बात नहीं, आपने गजल में भी समा बांधा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुबह सुबह जो है आज गजल सुन के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा मजा आया। थैंक पुनीत जी, यू सर, आपको थैंक जैसे यू। पता होगा कि हमारे सुरित भाई के हाथ में मिनिमम अटेम्प्ट्स करने के लिए 30 मार्क्स और मैक्सिमम 50 तक दे सकते हैं आपको मार्क्स वो, हाँ और जी 60 मार्क्स होते हैं जो हमारे सिलेक्शन के लिए, जो कि बाकी चीजें जनता के पब्लिक आपको देती है। जो हमारा यही आपका सिंग गाया हुआ वीडियो जो यूट्यूब पे जाएगा और आपको कितने लोग लाइक करते हैं तो उस पे आपका वो होता है। तो बिल्कुल मैं सुरित भाई से बिल्कुल आपके लिए फीडबैक और आपको कितना मार्क्स देना चाहेंगे बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज। अमित जी आपने बहुत ही अच्छा गाया। सबसे फर्स्ट थिंग जो मुझे थैंक अच्छी लगी वो शायद आपके अभी उठे हो इसलिए शायद, कि या फिर आपकी आवाज़ ऐसी ही होगी। आपकी आवाज़ में डेप्थ बहुत अच्छा है, ये थैंक यू मतलब सबके साथ ही होता है कि उठते उठते टाइम, लेकिन गाते गाते हमारा आवाज़ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आपकी आवाज़ में अभी भी डेप्थ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभार हमारी अच्छी रेंज हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एक डेप्थ वाली एक भरी हुई आवाज़ हो ये कभी कभार बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे थैंक वो यू बहुत सो मच अच्छा सर, लगा थैंक आपके गाने में। प्लस आपने यू जो सर। सॉन्ग सिलेक्शन किया बहुत अच्छा था, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो छोड़िए, आप बड़े बड़े शोज में और जो भी सब होता रहता है, गजल कोई नहीं गाता, पता नहीं क्यों गजल लोग छोड़ देते हैं, सूफी में चले जाते हैं। सूफी आप गाते हैं, मैं आपका सूफी बिल्कुल सुनना चाहूंगा कभी अगर आप आए तो, बिल्कुल 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 लेकिन गजल आपने जिस तरह से निभाई बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको 40 मार्क्स देने वाला था, बट मैंने सोचा कि शायद मैं गलती कर दूंगा, इसलिए 45 देना चाहूंगा मैं आपको। आप और थैंक यू अच्छा सो गाएं मच, और बस थैंक यू क्या सर। बात मतलब है। मुझे आपके कमेंट्स, मैं एक्चुअली लास्ट टाइम जब आपका ये पहला ऑडिशन था और सेकंड ऑडिशन, थर्ड ऑडिशन, मैं तीनों तीनों ऑडिशंस में ऑडिशन आपकी जजमेंट सुनता आ रहा हूँ आपकी। और मेरा यही मतलब था कि किसी बार एक बार मेरा आपसे कनेक्शन हो जाए, मैं आपको सुनाऊँ। आपका कमेंट जो वैल्यूएबल है मुझे सुनने को मिले, तो आज आई थिंक वो पूरा हुआ है, ये टाइम आज मेरे बस ये आपका लिए। बड़प्पन नहीं, मैंने आपकी काफी तारीफ है। सुनी है, आपका सॉन्ग भी सुने हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप। जो आप
धन्यवाद धन्यवाद। जो कंटेस्टेंट को मेन मेन ये होता है कि कंटेस्टेंट को सुना के हम बताएं कि वो कैसा गा रहा है कैसा नहीं, वो मुझे आपका बहुत जी हाँ बिल्कुल वो मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, और यही कारण था कि मैं आपको सिर्फ आपको ही सुनाना चाह रहा था अपना सॉन्ग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है जी, आपको अपने सुबह बना दी मेरी आपने। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा निभाया, और भी 45 मार्क्स दिए हैं आज जो है, सभी लोग कंपटीशन में हैं, 45 45 सभी लोगों को मिला है मार्क्स आज। काफी अच्छा गाया आप लोगों ने सभी ने, और आपके हमने संडे को रखा ना इसलिए सारे अच्छे आए। सही है, आपके वॉइस की डेप्थ की बात तो जो है सोरित भाई ने की है, जिक्र किया है उसका, तो पुनीत जी बाकी चीजें हम लोग जनता के देखते हैं, जनता आपको कितना क्या आपको आगे ले जाती है। ये जो है आपका वीडियो यूट्यूब पर हमारे अपलोड होगा आज ही, तो देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच हमारे इसमें ऑडिशन में जो है आपने पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू एसडी सर, थैंक यू सर। मैं आपका नेम भूल गया हूँ सर, एक बार अपना नेम जरूर बताएं सर। मेरा नाम स्वरित सोनित नहीं स्वरित है स्वरित स्वरित ठीक है एसडी सर, सॉरी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, थोड़ा सा टाइम देने के लिए। जी बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू सर। सॉरी, काफी अच्छा लगा मुझे आपके पुराने टाइम के जो है, पुराने इन द सेंस जब आप छोटा था छोटे थे, जब से आप लिल चैंप जी टीवी में आप गाते थे, है ना, वहां तक के फैन अभी आपको जो है वो आपको ऑडिशन दे रहे हैं, उस टाइम से फैन है अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, वो ऑडिशन दे रहे हैं आपसे, उस बात का जिक्र भी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सॉरी आपको? ये होता है मेरे साथ बहुत बार, और जब भी कोई ऐसा सवाल पूछता है मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता है। हाँ। क्योंकि मतलब मैं अगर कोई जवाब देता हूँ ना तो मेरे ख्याल से मेरे फैंस की तोहिन होती है, मैं उनको वो जैसे हैं मैं उनको वैसे ही रखना चाहता हूँ, और बस मैं मेहनत करता रहूँ ये हमेशा चाहता हूँ, और मेरे फैंस और जो मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग भी मेहनत करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं, सब अच्छे से रहें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सॉरी, आपने बहुत अच्छा जो है आज डिजर्विंग कैंडिडेट आए, और सबको 40-40 मार्क्स, सभी अच्छे हैं। हाँ, तो सब लोग कंपटीशन में, ये वीडियो जो है शाम तक अपलोड होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और कैसे क्या हमारी पब्लिक जनता जनार्दन हमें कहाँ तक ले जाते हैं सभी उनको देखते हैं। और आज इतना कहते हुए आज के लिए विदा होते हैं सुरीत, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बस विदा लेते हैं, और क्या, बिल्कुल अगले शनिवार को मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, अपने आसपास सफाई साफ सफाई बनाए रहें, और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, और अफवाहों पर ध्यान न दें, बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान न दें, हमारे शो में कोई कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कोई बोलता है कि द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में हम लोग आपको इस तरह से वो करेंगे बोल के मनी कोई डिमांड नहीं करता, तो डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट करें, और जो है उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सख्त से सख्त कार्रवाई करवा सकते हैं वो चीज़ के लिए हम आगे अग्रसर रहेंगे। ये आपको एंड तक फाइनल तक आप कंटेस्टेंट्स को कोई भी चार्ज बिना लिए, कोई भी एप्लीकेशन बिना फिलअप करवाए आपको जो है आगे तक ले जाती है, आपका करियर बिल्ड बनाने के लिए द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार जो है हमने लाया है यहाँ पर। जी जी, थैंक यू सो मच सुरेश, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू एसडी सर, जय हिंद जय हिंद।